शिवपुर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने को लेकर किया विरोध। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जिले के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने सामुदायिक स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड बनवाने का कार्य ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सचिव का है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आदेश जारी कर उक्त कार्य कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जिम्मे सौंपने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते यहाँ ग्रामीण स्तर पर उक्त कार्य करने के स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी। वहीं टारगेट को पूर्ति नहीं होने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को शासन द्वारा प्रदान की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को शासन द्वारा प्रदान जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान भी होगा। इन्हीं कारणों के चलते जिले भर के कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंच, जहां कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाना प्रस्तावित है। इस विषय में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जारी पत्र के अनुसार आयुष्मान कार्ड ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम सचिव द्वारा बनाया जाना, लेकिन जिला श्योपुर में इस कार्य हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आदेशित किया गया, जबकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु और जिले के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसका मासिक टारगेट होता है। अगर जिले के सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे तो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे और इस कारण जिले के सभी कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर को 15,000 का नुकसान होगा। लगातार किस मामले को लेकर आज आपने कलेक्ट्रेट में आकर के ज्ञापन दिया है? हम सभी आज कलेक्ट्रेट में सभी CHO उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे हमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि हमारी कार्य आधारित में या हमारी कार्य प्रणाली में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। एवं आयुष्मान कार्ड बनाने से हम पे जो अतिरिक्त भार पड़ेगा उसकी वजह से हमारा PVI जो प्रोत्साहन राशि हमें हर माह दी जाती है उसके हमारे पूरे कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाएंगे, और जिससे हमारी प्रोत्साहन राशि में नुकसान होगा और हमारी सैलरी में भी कटौती होगी। मतलब कहने का ये है कि CHO की जो पदस्थापना की गई है वो प्राथमिक उपचार के लिए की गई है, लेकिन प्राथमिक उपचार की जगह आपके द्वारा पंचायत का काम करवाया जा रहा है। ये काम GRS और BLE वगैरह का है, ये काम हमको दिया जा रहा है। यानी आपका कहना ये कि अगर आप इस काम में ये काम अगर आपको दिया गया तो उससे स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और हमारा प्रभावित और जो हमारी पैसे मिलते हैं वो कम हो जाएगा, उतना काम नहीं कर पाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही हम स्वास्थ्य सेवा अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे तो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से नहीं दे पाएंगे।